नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट्स में। इस वीडियो में हम एडॉल्फ हिटलर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात करेंगे जिसे सुनकर आप भी बोलेंगे उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। आप सभी ने हिटलर का नाम तो जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आप जरूर एलियन होंगे। अरे सोचिए मत, ये तो सिर्फ एक मजाक था। आप भी उसी प्लेनेट के हैं जिस प्लेनेट के हम, द अर्थ। हिटलर, जिसने अपने ही देश के नागरिकों को इतनी बेरहमी से मरवाया कि सोचकर ही रूह कांप जाती है। हिटलर ने लगभग 60 लाख जीव्स, 2 लाख जिप्सीज, 10 लाख पोलिश सिविलियन और 70,000 जर्मन्स जो कि फिजिकली या मेंटली चैलेंज थे, इन सब को उसने इतनी बेरहमी से मरवाया कि सोचकर ही डर लगता है। हिटलर के पास लोगों को मरवाने के तरीके एक पे एक थे। उसी में से एक प्रोसेस था गैसिकेटिंग। इस प्रोसेस में लोगों को एक कमरे में बंद करके जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, जिससे लोग गैस सूंघते सूंघते ही मर जाते थे। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जीव्स को इतनी ज़्यादा संख्या में क्यों मरवाया गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिटलर या फिर नाजी के फॉलोअर्स जीव्स जाति को जेसस क्रिस्ट का हत्यारा मानते थे। उनका मानना था कि इन्हीं की वजह से जेसस क्रिस्ट की मृत्यु हुई। ऐसा क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर, आप सभी को पता ही होगा कि हिटलर जो सोचता था वही करता था, और आज हम उसी एडोल्फ हिटलर की एक ऐसी सोच यानी कानून के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपको भी सोचना पड़ जाएगा। जब हिटलर ने अपने ही देश के बहुत सारे लोगों को मरवा दिया, तब उसे अपनी आर्म फोर्स में भी कमी देखने को मिली, और इसी कमी को पूरा करने के लिए हिटलर ने एक ऐसा कानून पास किया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसका नाम है क्रॉस ऑफ ऑनर। ये एक पुरस्कार है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न या पद्म विभूषण होता है। हिटलर ने जर्मनों को मदर क्रॉस के साथ कई बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। 12 अगस्त 1938 को एडोल्फ हिटलर ने जर्मन महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मदर क्रॉस की स्थापना की। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को हिटलर की मां क्लेरा हिटलर के जन्मदिन पर महिलाओं को सम्मानित किया जाता था। जर्मन रिज को एक मजबूत और बढ़ती आबादी की ज़रूरत थी, और इसीलिए जोरो यानी कपल्स को बड़े परिवार रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हिटलर ने इस तरह के प्रोत्साहन को जल्द ही शुरू कर दिया था। एक बार जब हिटलर यूथ मूवमेंट या लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स के डिस्टेफ विंग्स के सदस्य 18 वर्ष के हो जाते थे, तो वो फेथ एंड ब्यूटी नामक एक शाखा के लिए पात्र हो जाते थे, जिसमें लड़कियों को आदर्श माँ बनने की कला से प्रशिक्षित किया जाता था। उस आदर्श का एक भाग उर्वरता यानी फर्टिलिटी भी थी, और इसीलिए हर साल एडोल्फ हिटलर की माँ क्लारा हिटलर के सम्मान में और उनकी जन्मदिन की याद में 5 बच्चों वाली माओं को ब्रॉन्ज मेडल, 6 बच्चे वाले माओं को सिल्वर मेडल और 7 बच्चे वाले माओं को गोल्ड मेडल दिया जाता था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।